हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ कोजिक कोलाजन वाइटनिंग बॉडी लोशन के बारे में। ये बॉडी लोशन के बारे में आज के वीडियो में डिटेल में जानकारी होने वाली है। क्या ये सच में बॉडी लोशन स्किन को वाइटनिंग करता है? इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? ये सबकी जानकारी आज के वीडियो में होने वाली है। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट आपके पास पहुँच रहे। गाइज, ये प्रोडक्ट थाईलैंड का है। 230 ml का प्रोडक्ट है। अप्रॉक्स 250 rupees में ये आपको ऑनलाइन में इजीली मिल जाता है। ये लोशन को बनाने वाली कंपनी दावा करती है ये आपकी स्किन के कलर को लाइटन करेगी। अगर आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स है उसको भी लाइटन करेगी। आपकी स्किन डल है उसको फ्रेश करेगी। आपकी स्किन के पीएच को बैलेंस करेगी। ये लोशन को यूज करने से स्किन 7 दिन के अंदर अंदर सेलिब्रेटेड टाइप आपकी स्किन बन जाएगी। स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाएगी। बच्चों के जैसे स्किन क्लियर और सॉफ्ट हो जाएगी। ये तो थी ये लोशन की क्लेम की बात। गाइज, ये लोशन को आपको फेस में यूज़ नहीं करना है, ये बॉडी लोशन है। इसे आपको अपने डार्क बॉडी पार्ट में यूज करना है। डार्क जैसे नेक हो गया, डार्क नीज हो गया, डार्क बोटॉक्स हो गया, आर्म्स हो गया, लेग्स हो गया, या फिर हाथ पांव जैसे हम लोग नॉर्मल बॉडी लोशन यूज़ करते हैं, आप ऐसे आपको यूज करना है। गाइज, इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें यूज किया गया है कोजिक एसिड, कोलाजन, अर्बुटीन, बादाम ऑयल, विजियम ऑयल। कोजिक एसिड कालापन को दूर करता है, डार्क स्पॉट ब्लेमिशेस को रिमूव करता है। अर्बुटीन एक स्किन लाइटनिंग एजेंट है, ये स्किन को तेजी से वाइटनिंग करता है। बादाम ऑयल स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। विजियम ऑयल में एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाया जाता है जो स्किन के रेडनेस एंड जलन को शांत करने का काम करता है। गाइज, जब बात करती है लोशन के रिजल्ट के बारे में तो गाइज इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट का यूज किया गया है जो कि स्किन के लिए काफ़ी अच्छे हैं। बट ये लोशन यूज करने से स्किन हाइड्रेट जरूर होती है, स्किन सॉफ्ट जरूर होती है, बट दाग धब्बे के ऊपर इतना वर्क नहीं करती है। ये नहीं कि ये लोशन का यूज किया और आपके डार्क स्किन लाइटन हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसे यूज करते हो स्किन सॉफ्ट जरूर होती है, स्किन पर ब्राइटन लुक जरूर दिखता है तब तक ही जब तक आप ये लोशन को यूज करते हो। नॉर्मल बॉडी लोशन जैसा ही है। अगर आप ये लोशन का यूज करने की सोच रहे हो स्किन वाइटनिंग एंड लाइटनिंग के लिए तो ये सोचकर आपको यूज नहीं करना है। एंड एक हर नॉर्मल बॉडी लोशन जैसे आपको यूज करने की कर सकते हो इसको। तो गाइज, ये थी मेरी आज की रिव्यू। आई होप आपको मेरी रिव्यू से कुछ हेल्प मिली हो, मेरी रिव्यू अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।